हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। तीनों लोकों में सभी चल अचल प्राणी केवल मेरी पूजा करते हैं, परंतु केवल तू ही एक ऐसा है जिसने मेरी पूजा करना स्वीकार किया। क्या ये सत्य है? हाँ पिताश्री, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि संसारी भक्ति के कारण नहीं, भाई के मारे आपकी पूजा करके आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, आपको कुमार्ग पर चला रहा है। परंतु मैं आपका पुत्र होकर आपको इस कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाना अपना कर्तव्य समझता हूँ, इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करता। तो किसकी पूजा करता है तू? पिताश्री, तीनों लोकों में पूजा के योग्य तो एक ही है, अच्युत अविनाशी परमेश्वर श्री विष्णु भगवान। अब मैं तुम्हें अति गुप्त से गुप्त और अति दिव्य से दिव्य कलाएं प्रदान करने जा रहा हूं। अब तक मैंने तुम्हें जो कलाएं सिखाई हैं, उनसे जीवन में विजय प्राप्त होती है। जीने की कलाएं तुम सीख चुके हो, अब मैं तुम्हें मरने की कला सिखाता हूं। मरने की कला? हाँ, मरने की कला। इस कला के द्वारा प्राणी सहज में ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्थात ये मोक्ष प्राप्त करने की कला है? हाँ, मोक्ष प्राप्त करने की कला है, और बड़ी सहज कला है। मोक्ष की प्राप्ति और सहज? हाँ, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य इन चार पदार्थों को प्राप्त करना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य अपने जीवन में केवल तीन ही पदार्थों को प्राप्त कर सकता है, अर्थात धर्म, अर्थ और काम। चौथा, जो इन सबसे महान पदार्थ है, मोक्ष, उसकी प्राप्ति उसे केवल मरने पर ही हो सकती है, वो भी तब यदि उसे मरने की कला आती हो। गुरुदेव, इस गूढ़ रहस्य को तनिक विस्तार में बताने की कृपा करें। देखो, शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय प्राणी के मन में जो भाव होते हैं, उसी के अनुसार उसकी अंत गति होती है। सो यदि मरने के समय प्राणी के मन में संपत्ति, घर बार या सगे संबंधियों के साथ मोह ममता के भाव प्रबल होंगे, तो उन्हीं इच्छाओं के अनुसार नया जन्म होगा, और इसी प्रकार जन्म जन्मांतर के चक्कर में घूमता रह जाता है। और यदि मरने के समय प्राणी संसार की सारी माया ममता को भूलकर केवल श्री हरि के चरणों में मन को स्थिर करके प्राणों का त्याग करे, तो उसी क्षण उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही वो मरने की कला है, जिससे बड़ी आसानी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुरुदेव, आपने जिस कला को इतना सहज बताया, वो कला इतनी सहज नहीं। जिस प्राणी का मन अपने अहंकार के मद में चूर जीवन भर केवल सकाम कर्मों में उलझा रहेगा, उसे मृत्यु के समय
अचानक श्री हरि की याद कैसे आएगी? ये बहुत कठिन है। तुमने ठीक ही कहा कि यदि जीवन भर प्राणी केवल सकाम कर्मों में ही उलझा रहेगा तो अंत समय में उसे श्री हरि चरणों का ध्यान कभी नहीं आएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य सारा जीवन अपनी दिनचर्या में नित्य प्रति थोड़ी देर के लिए बाकी सब कामों को भूलकर केवल श्री हरि का स्मरण करे, उनके चरणों का ध्यान करे, उनकी लीलाओं का गान करे कि किस प्रकार प्रभु अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के लिए बार बार पृथ्वी पर अवतार लेते रहे हैं, कभी नरसिंह रूप में, कभी कच्छप रूप में और कभी वराह रूप में। उन अवतारों की कथाओं का नित्य श्रवण करने से न केवल उसकी आस्था और उसके विश्वास दृढ़ होते जाएंगे बल्कि अपने हृदय में स्वयं ही भक्ति का स्रोत भी बहने लगेगा। वही अंत समय में उसकी सहायता करेगा। भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें श्री हरि के उन अवतारों की वो कथाएं सुनाने की कृपा करें जिन्हें सुनकर प्राणी भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है। मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि भगवान के अवतारों की कथा जितनी बार धरती पर कही सुनी जाए उतना ही धरती का वातावरण शुद्ध और भक्तिमय हो जाता है और उसी से समस्त प्राणियों का कल्याण होता है। पहली कथा अब तुम वराह अवतार की सुनो, जिसमें स्वयं धरती का उद्धार करने के लिए प्रभु ने वराह रूप धारण किया था। एक समय दो महान दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप समस्त लोकों में आतंक मचाए हुए थे। वो दोनों भाई देवताओं के शत्रु थे, क्योंकि धरती पर हवन यज्ञ आदि होते रहते थे जिससे देवताओं को बल मिलता था। इसलिए महाबली हिरण्याक्ष ने अंतरिक्ष में से धरती को चुरा लिया और उसे समुद्र के नीचे ले जाकर छिपा दिया। देवता आतुर और निर्बल हो गए। तब उन्होंने भगवान के सामने पुकार की। तब भगवान वराह का रूप धारण करके परमपिता ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए।
हिरण्याक्ष की मृत्यु से उसके भाई हिरण्याकश्यप को बहुत दुख हुआ। बदले की भावना से उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी और उसने ये तय कर लिया कि पृथ्वी पर ना भगवान का नाम रहेगा और ना उनके नाम को जपने वाला कोई प्राणी ही जीवित बचेगा। उसने राज्यसभा में सब दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज हम अपने छोटे भाई महाबली हिरण्याक्ष की मृत्यु का शोक मनाने यहां एकत्रित हुए हैं। इंद्र जैसे हमारे क्षुद्र शत्रुओं ने दैत्य शिरोमणि हिरण्याक्ष को विष्णु के हाथों मरवा डाला है, जिसका बदला हमें न केवल विष्णु से बल्कि समस्त देवताओं से लेना होगा। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु देवताओं के बहकाने से यह भी मायावी हो गया है और अपनी माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है। आज मैं सबके सामने यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने त्रिशूल से उसका वध करके अपने भाई की मृत आत्मा को तृप्त करूंगा। जिस प्रकार जड़ के कट जाने से पेड़ों के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विष्णु के न रहने से समस्त देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी। पृथ्वी पर जो मानव लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि कर रहे हैं, जिससे देवताओं को बल मिलता है, इसीलिए
वीर श्रोमणी हिरण्याक्ष ने समस्त धरती को जल के अंदर छुपा दिया था, किंतु वरा रूप धरकर विष्णु से फिर बाहर ले आया है। इसीलिए तुम सब लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ और वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि कर रहे हैं उन सब का नाश कर दो। जहां जहां गाय, वर्ण, वेद, आश्रम और धर्म कर्म हो रहे हों उन देशों को जलाकर राख कर दो, जिससे देवता बलहीन हो जाएंगे। हम इसी समय असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनसे समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त करने का साधन पूछते हैं। जाओ और जाकर मृत्यु लोक में आतंक मचा दो। गुरुदेव, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने अपने भाई के वध का प्रतिकार करने के लिए अपने समस्त योद्धाओं को धरती पर हाहाकार मचा देने का आदेश दिया है। अब मैं समस्त देवताओं को निस्तेज करके इंद्र के साम्राज्य पर भी अपना अधिकार पाना चाहता हूं। बताइए गुरुदेव, इस कार्य की सिद्धि के लिए शक्ति संचित करने का साधन क्या है? संसार में शक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, तप, तपस्या। केवल तपस्या ही समस्त शक्तियों का उद्गम स्थान है। इंद्र से लेकर स्वयं ब्रह्मा तक समस्त देव तपस्या के द्वारा ही शक्ति प्राप्त करते हैं। तो मैं भी तपस्या करूंगा और ऐसी घोर तपस्या करूंगा जो आज तक किसी ने न की हो। यदि मेरे द्वारा बताई गई विधि को तुम पूरी तरह निभा सके तो तीनों लोकों में तुमसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। गुरुदेव, मैं मन, वचन और कर्म से आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। परमपिता ब्रह्मा, असुरराज हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत की घाटी में अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। डांसों तथा कीटों ने उसका सारा मांस खा डाला है। केवल हड्डियों में अटके प्राणों के सहारे वो घोर तपस्या कर रहा है। देवताओं के 100 वर्ष उसने बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किए हैं। ऐसे कठोर तप की अग्नि को सहना देवताओं की शक्ति में नहीं है प्रभु। उसके तप की अग्नि और धूम्र ने तीनों लोगों को त्रस्त कर दिया है। कुछ निराकरण कीजिए प्रभु। निराकरण तो वरदान देने से ही होगा देवगणों। वरदान से वह आप सबका विनाश का भी वरदान मांग सकता है। किंतु हे पितामह, यदि वो इसी तरह से तपस्या करता रहा तो दैवी विधान से वो स्वयं ब्रह्म पद को भी प्राप्त हो सकता है। तब तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा प्रभु। इसलिए शीघ्र कोई ऐसा उपाय कीजिए प्रभु जिससे कि उसकी यह तपस्या यहीं पर समाप्त हो जाए। एवमस्तु। हे दैत्य शिरोमणि, मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए हम अमर लोक के प्राणियों का दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए जो इच्छा हो बेखटके मांग लो।
हम अवश्य प्रदान करेंगे। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूं। इंद्र आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है, वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। परंतु मेरे गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि ऐसी कठिन तपस्या के बाद कोई भी वर दुर्लभ नहीं होता। क्या वो झूठा आश्वासन था? क्या मुझे और तपस्या करनी होगी? और तपस्या की आवश्यकता नहीं है, गुरु शुक्राचार्य ने सत्य ही कहा था। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ने की थी, न आगे ही कोई करेगा। हे दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूं। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी के वरदान से जो दुर्लभ शक्ति प्राप्त हुई, उसका उपयोग यदि वह सात्विक और धार्मिक कार्यों के लिए करता तो सारे ब्रह्मांड में स्वयं भगवान को छोड़कर उनसे महान और कोई नहीं होता। अच्छा प्राणी विजय और सफलता पाकर झुक जाता है, परंतु नीच प्राणी सफलता के मद में पागल हो जाता है। हिरण्यकश्यप स्वयं ब्रह्मा जी का पौत्र होकर भी अपने नीच संस्कारों के कारण इंद्रियों के विषय में रत था, इसलिए इतनी घोर तपस्या करके जब वरदान मांगने का समय आया तो उसने केवल भोग विलास ही मांगा। उसकी बुद्धि ने उसे अपने विकास के स्थान पर विनाश का ही मार्ग दिखलाया और अपनी अपार शक्तियों के दुरुपयोग से उसने संसार में चारों ओर हाहाकार मचा दिया। सर्वप्रथम उसने इंद्र के स्वर्ग लोक पर धावा बोल दिया। इंद्र भाग गया, देवता परास्त हो गए, अब स्वर्ग पर भी हमारा राज्य है। मैं यहाँ का भगवान हूँ, हर कोई मेरी पूजा करे। जो मेरी पूजा नहीं करेगा वो संसार में जीवित नहीं रह सकता। बोल, हिरण्यकश्यप तेरा भगवान है कि नहीं? बोल, बोल। इस प्रकार देवताओं सहित तीनों लोकों के प्राणी उस महादैत्य के आगे नतमस्तक हो गए। उस समय सारी सृष्टि में एक नन्हा सा बालक ही ऐसा था जो भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करता रहता था। वो उसी दैत्य का अपना पुत्र था, प्रह्लाद, जो 5 वर्ष की अवस्था में ही ब्रह्मलीन होकर केवल भगवान श्री हरि का नाम जपता रहता था। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया जाता रहा, परंतु वो बालक प्रभु की भक्ति से विमुख न हुआ। जब हिरण्यकश्यप को इसका पता चला
तो उसके क्रोध का पारावार न रहा। मैं यहाँ का भगवान हूँ, सारा संसार मेरे सामने भय से थर थर कांपता है, मेरे चलने से पृथ्वी डोलने लगती है, मेरी भ्रुकुटी तन जाए तो तीनों लोग कांप उठते हैं, नाग यक्ष गंधर्व देवता सभी मेरे नाम की माला जपते हैं, तीनों लोकों में सभी चल अचल प्राणी केवल मेरी पूजा करते हैं, परंतु केवल तू ही एक ऐसा है जिसने मेरी पूजा करना स्वीकार किया, क्या यह सत्य है? हाँ पिताश्री, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि संसारी भक्ति के कारण नहीं, भाई के मारे आपकी पूजा करके आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, आपको कुमार्ग पर चला रहा है, परंतु मैं आपका पुत्र होकर आपको इस कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाना अपना कर्तव्य समझता हूँ, इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करता। तो किसकी पूजा करता है तू? पिताश्री, तीनों लोकों में पूजा के योग्य तो एक ही है, अच्युत अविनाशी परमेश्वर श्री विष्णु भगवान, मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ। मूर्ख पुत्र, तू उस विष्णु की बात कर रहा है जो मेरे भय से ब्रह्मांड का त्याग करके भाग गया, जो मेरी क्रोधाग्नि पल भर के लिए भी सहन नहीं कर सकता। सुन प्रहलाद, विष्णु मेरा प्रबल शत्रु है, वो मेरे भाई का हत्यारा है, और तेरा भी यही कर्तव्य है कि असुर कुल के प्रबल शत्रु विष्णु से तू भी द्वेष रखे। नहीं पिताश्री, भगवान विष्णु तो किसी के शत्रु नहीं, वो तो सबके पालन करता है। तू झूठ बोलता है, वो अवश्य मेरा शत्रु है, वो मेरा नाश करना चाहता है। ये आपका भ्रम है। जिस प्रकार उनके लिए विश्व के सभी प्राणी उनके बालक हैं, उसी प्रकार आप भी उनके बालक हैं। वो आपका नाश कभी नहीं करना चाहते, केवल आपके कुकर्मों का, आपके अधर्म का नाश करेंगे। मुझे कुकर्मी कहता है, मुझे धर्मी कहता है, मूढ़, विष्णु मेरा नाश करे या न करे, परंतु मैं तेरा नाश अवश्य कर दूंगा। ये भी आपकी भूल है पिताश्री, भगवान की इच्छा के बिना कोई किसी का नाश नहीं कर सकता। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, तब तक संसार की कोई भी शक्ति आ जाए, मेरा नाश नहीं होगा। हाँ, यदि प्रभु जी की इच्छा होगी तो आपके कुछ किए बिना ही मेरा नाश हो जाएगा। अवश्य हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा है और मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। बस यही अहंकार आपको सत्य नहीं देखने देता। जिस दिन आप अपने अहंकार और अभिमान का त्याग करके सच्चे हृदय से उनकी शरण में जाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वही सर्वशक्तिमान है। उनकी इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरी प्रार्थना मानिए, अब भी समय है, भगवान विष्णु की शरण में जाकर उनके चरणों में शीश नवा दीजिए, वे परम दयालु हैं, वो तुरंत ही आपके सारे अपराध क्षमा कर देंगे, आपको पापहीन कर देंगे। ले जाओ इसे और इसकी जीवा काट दो, ये मुझे पापहीन करना चाहता था, प्राणहीन कर दो इसे, शरीर के जिस अंग से सारे शरीर को हानि होती हो उस सड़े हुए अंग को काट कर फेंक देना चाहिए। जाओ, ले जाओ, और जो सबसे पहले इसकी मृत्यु का समाचार हमें सुनाएगा उसे बहुत बड़ा पारितोषिक दिया जाएगा। जाओ, ले जाओ इस कुल कलंक को। तुम इतने सारे मिलकर भी उसे नहीं मार सके, अस्त्र काम नहीं करता तो जाओ उसे पहाड़ की चोटी से गिरा दो। देखो इसे।
पहाड़ की चोटी से गिराने पर भी नहीं मरा तो यह अवश्य कोई मायावी बालक है। भैया आपसे नहीं मरता तो मेरे हवाले कर दीजिए। होलिका तुम पर तुम भी क्या करोगी? आप तो जानते हैं कि मुझे वरदान मिला है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती, सो मैं उसे अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाती हूँ। इन लोगों से कह दो कि चारों ओर से आग लगा दें, वो अपने आप भस्म हो जाएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हमारा वरदान गलत नहीं था, तुमने उसका गलत प्रयोग किया है। हमने तुम्हें यह शक्ति अपनी सुरक्षा के लिए दी थी, यदि उसका प्रयोग दूसरों का नाश करने के लिए किया जाएगा तो वो स्वयं तुम्हारा ही विनाश कर देगी। क्षमा करें राजन, हमने अनेक उपाय किए कि प्रहलाद का वध कर दें, किंतु न जाने कौन सी अज्ञात शक्ति इसकी रक्षा करती है। हमने इसे आग में जलाया, पहाड़ से गिराया, किंतु हे राजन हम इसका कुछ ना बिगाड़ सके, हम बहुत लज्जित हैं। मूर्ख, तू बहुत उद्दंड हो गया है, तूने मेरी अनंत शक्ति को चुनौती दी है। मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूं, अब मैं तेरा काल बनकर तुझे धूल में मिलाता हूं। तू किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर जो सबका बल है। पिताश्री आपको भी वही बल देता है, न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों का बल भी केवल वही है। पिताश्री भगवान श्री हरि बड़े ही दयालु है, इसलिए अब भी समय है कि आप अपना अभिमान त्याग कर उनकी शरण ले लें। वे अवश्य आपके अपराध क्षमा कर देंगे। आप क्रोध का त्याग करें पिताश्री। कहाँ कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में, आकाश में, धरती में, हवा में, आप में, मुझ में, साधु संतों में और इन दैत्यों में भी। आप विश्वास कीजिए पिताश्री, वे सृष्टि के कण कण में हैं। यहाँ की हर वस्तु में भी? जी पिताश्री। इस महल में भी? जी पिताश्री, मैं तो उन्हें इस महल की हर वस्तु में देख रहा हूँ। इस खम्भे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खम्भे में भी हैं। यदि वो इस खम्भे में भी है तो मैं अभी इस खम्भे को ही चकनाचूर कर देता हूं। है। यदि इस खम्भे में भी तेरा भगवान है तो आज न यह खम्भा रहेगा न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। Yeah.
कश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, ये न नर है न पशु, न सुर है न दैत्य, इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से, तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं। और नरसिंह रूप दोनों अवतारों को भगवान का आवेशावतार भी कहा जाता है। भगवान के अलग अवतारों में 10 से लेकर 16 कलाएं प्रकट होती हैं। नरसिंह और वराह ये दोनों अवतार 10 से 11 कला पूर्ण थे। प्रभु, किसमें कितनी कलाएं हैं, इस निर्णय का आधार क्या होता है? प्राणी के अंतर में जो चेतन शक्ति है,
या प्रभु का तेजांश है उसी को कला कहते हैं। जिस प्राणी में जितनी चेतना शक्ति अभिव्यक्त हो रही है उतनी ही उसकी कलाएं मानी जाती हैं। इसी से जड़ चेतन का भेद होता है। ये पेड़ पौधे एक कला के प्राणी हैं। इन्हें खाना चाहिए, निद्रा चाहिए, इन्हें सुख दुख का भी आभास होता है। पशु पक्षी चार कला के प्राणी हैं, क्योंकि वे बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। साधारण मानव में पांच कला की और सभ्य तथा संस्कृति युक्त समाज वाले मानव में छह कला की अभिव्यक्ति होती है। जो विशेष प्रतिभा वाले विशिष्ट पुरुष होते हैं उनमें भगवान के तेजांश की सात कलाएं अभिव्यक्त होती हैं। तत्पश्चात आठ कलाओं से युक्त वो महामानव संत और महापुरुष होते हैं जो इस धरती पर कभी कभार दिखाई देते हैं। मनुष्य की देह आठ कलाओं से अधिक का तेज सहन नहीं कर सकती। नौ कला धारण करने के लिए दिव्य देह की आवश्यकता होती है। जैसे सप्तर्षि गण, मनु, देवता, प्रजापति, लोकपाल आदि। इसके बाद दस और दस से अधिक कलाओं की अभिव्यक्ति केवल भगवान के अवतारों में ही होती है। जैसे वराह, नृसिंह, कूर्म और मत्स्य अवतार।